नमस्कार, घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। लोकसभा में संविधान दिवस पर बहस पे सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। बहस के बहाने सोनिया का सरकार पर हमला, अंबेडकर के बहाने असहिष्णुता पर गृह मंत्री का प्रहार। और भारत पाक सीरीज पर फिर बवाल, बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने उठाए सवाल। सबसे पहले बात करते हैं विंटर सेशन की शुरुआत, आगाज संविधान दिवस के रूप में बहस से शुरुआत हुई और उस बहस में जो बातें हुई है उसके कुछ अंश आपको हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम बता दें, हमारे साथ आज स्टूडियो में इस विशेष दिन पे विशिष्ट मेहमान हैं डॉक्टर रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक साहब हैं, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, बहुत बहुत स्वागत है। हुसैन उमर दलवाई साहब हैं, प्रवक्ता हैं, सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है। पीडी गौतम साहब हैं, दलित प्रचारक हैं, चिंतक हैं, भीम प्रचारक, बौद्ध प्रचारक बताए जाते हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उपेंद्र प्रसाद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और शुरुआत करते हैं इससे पहले कि हम चर्चा करें कि आज जो बयान दिए गए हैं लोकसभा में, सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजनाथ सिंह जी के उस बयान से जो उन्होंने इनटॉलरेंस पे दिया, जो उन्होंने बात कही है। राजनाथ सिंह के बयान दो चीज पे, अंबेडकर और इंटॉलरेंस और सेक्युलर जो था उस पे है, और उनके साथ साथ उन्होंने सोनिया गांधी कांग्रेस का अध्यक्षा ने जो बात कही वो भी आपको हम निकालते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर, हम सभी जानते हैं कि अपने जीवन में कितनी उपेक्षाओं का उन्हें शिकार होना पड़ा है। तिरस्कार, अपमान और कटाक्ष भी उन्हें झेलने पड़े हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कभी यह नहीं कहा भारत में हमारी इतनी उपेक्षा की जा रही है, भारत में इतना मुझे अपमानित होना पड़ा है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भारत में ही रहूंगा, और भारत की जो परंपराएं रही हैं, भारत की जो संस्कृति रही है, भारत की अन्य जो विधाएं रही हैं, उन सब सारी चीजों को ध्यान में रख के भारत को एक सशक्त भारत बनाने में मैं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करूंगा, उनका एक संकल्प था। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि हमारी भारत में उपेक्षा हुई है, भारत में मुझे समय समय पर अपमान झेलना पड़ा है, तिरस्कार झेलना पड़ा है, मैं भारत छोड़कर कहीं दुनिया के दूसरे देशों में मैं चला जाऊंगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ऐसा कभी नहीं सोचा। और इससे शुरुआत करते हैं, और भी हमारे साथ बयान है आपने तमाम जो कि सांसद हैं। डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करते हैं, जिसकी शुरुआत आज हुई है अच्छी शुरुआत थी, लेकिन क्या लगता है कि क्या उसी पे फोकस रहा, या फोकस जो है इंटॉलरेंस और कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म और सियासी मैदान में तब्दील हो गया ये बहस? पहली बात तो मैं सरकार को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि देश की आज़ादी के बाद पहली बार संविधान दिवस के रूप में इसको एक चर्चा के रूप में लोकसभा में लाया गया, और भारत रत्न अंबेडकर जी के 125वें जन्मशती पर ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो हुआ है, बहुत सारी बातें सामने आई हैं। संविधान की प्रति हमारी प्रतिबद्धता, आखिर हम जब हमने संविधान को लागू किया तब से लेकर के और अब तक हमारी प्रतिबद्धता क्या रही है, चर्चा का विषय ये है। और इसीलिए लेकिन चर्चा का विषय ये है, लेकिन वहाँ फोकस कहीं ना कहीं आपको लगा कि जो फोकस जो आप कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है कि संविधान के प्रति प्रतिबद्धता, क्या उसी पे फोकस रहे सरकार की तरफ से जो लोग बोले, या जो विपक्ष की तरफ से सोनिया जी बोली, या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बोल रहे हैं कि रक्तपात हो जाएगा अगर संविधान बदलने की कोशिश हुई, तो ये जो चीजें हैं क्या ये? देखिए, खड़गे जी ने तो बिना संदर्भ के वो बोला, जिसमें हंगामा भी मचा कि रक्तपात, संविधान को बदलने की बात कौन बोल रहा है, और संविधान के अनुच्छेदों में परिवर्तन करने का अधिकार उस संसद को है। तो इसलिए इस बात, आखिर इतने संविधान संशोधन हुए, रक्तपात हुआ है क्या? तो ये शब्द तो ठीक नहीं था, मुझे लगता है ये शब्द शायद निकाला गया होगा। जहां तक सहिष्णुता असहिष्णुता की बात है, और कुछ बिंदु और उठे हैं,
दलित समाज की बात है, देश की आर्थिक प्रगति की बात है, विचारधारा की बात है, तो ये उससे जुड़े हुए, क्योंकि भारत के संविधान में बहुत स्पष्ट उल्लेख है कि समरसता की बात है, आर्थिक प्रगति की बात है, समानता की बात है, सभी धर्मों को समान रूप से करने की बात है। तो जिस तरीके से सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय से संबंधित अभिव्यक्ति और विश्वास सभी में हमारे संविधान में इसको पहले ही संविधान के प्रथम पृष्ठ पर ही इन सब का उल्लेख है कि हम भारत के लोग इन प्रतिबद्धताओं के साथ अपना संविधान को अंगीकार करते हैं। बिल्कुल, और वो इस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाते हुए एक चर्चा की शुरुआत हुई, तो क्या वही कमिटमेंट जो प्रस्तावना में है, वो कमिटमेंट क्या संसद में दिखा आपको? मेरा सवाल यहाँ पे है। देखिए, संसद है वो देश की सर्वोच्च न्याय, न्याय की न्याय का सबसे बड़ा मंदिर है, और सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं, हर व्यक्ति के अपने सोचने का है, लेकिन अंततोगत निचोड़ इस बात का है कि भारत का जो संविधान है, जो उद्देशिका है उसकी, जिसको शुरुआती दौर में हमारी लोकसभा अध्यक्ष जी ने उसको प्रस्तावना के रूप में कहा है, वो उसकी मूल भावना है, और उस मूल भावना वो बनी रहे, इस पर चर्चा हो कि कहाँ हम अभी कमजोर हैं, कहाँ हम आगे बढ़े हैं, ये अकलुषित चर्चा होनी चाहिए। वो चर्चा होनी चाहिए, क्या उस चर्चा की शुरुआत आपको आज देखने को मिली, क्या वो चर्चा आप देख पाए, या चर्चा जो है कहीं ना कहीं सियासी? मैं थोड़ा दुखी हूँ, मुझे महाजन मैडम का, हमारे जो स्पीकर हैं उनका भाषण मैं सुन नहीं पाया, लेकिन बहुत सारे लोग बोले, उन्होंने बहुत अच्छे बैलेंस तौर पे अपनी बात रखी। राजनाथ जी का भाषण मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि प्रियम्बल की एक एक बात लेके आरएसएस के प्रचार में बोलते हैं, इस तरह से वो बोले, और उनसे यह अपेक्षा नहीं थी। जैसा कि उन्होंने लोकशाही, राम राज्य में लोकशाही थी, राम में सबसे बड़ा लोकशाही ये था, तो शंभूक का क्या हुआ, ये सवाल पूछा जाएगा? आज राम होते और शंभूक का इस तरह से ये होता तो एट्रोसिटी एक्ट लगता। ये कुछ बातें ऐसी है कि और उनके दिमाग में ये बात है, जो गोलकर गुरु जी ने भी कहा है कि ये संविधान क्या संविधान है, अलग अलग देशों से लाई हुई चीज़ें और इकट्ठा की हुई है, उसका आत्मा क्या है देखना चाहिए, उसका आत्मा इंडियन है, भारतीय यह है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने लगातार 3 साल उसके लिए मेहनत की है, उसके ये भी ध्यान में रखना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद हिंदू बिल के ऊपर उनका बहुत झगड़ा हुआ, नेहरू जी उनको समझा रहे थे कि इतनी सारी बातें हमने की हैं वही बहुत हैं, और उसका उन्होंने जिक्र भी किया कि कांग्रेस पार्टी ने ये सब मुझे मौका दिया और पूरा सहयोग दिया, इसकी वजह से हो पाया। लेकिन ये बात हिंदू कोड बिल उनकी मान्य किया गया नहीं, उसने इस्तीफा दे के बाहर गए, और ये बात मैं यहाँ जिक्र करूँगा कि वो 3 साल में उन्होंने इतनी मेहनत की, वो तो एक्सेलेंट है। आज वो 3 साल के मेहनत का ही नतीजा, आज जब आप बात कर रहे थे, जब आपके पार्टी के निधन हो गया, मेरा सवाल है कि क्या, मेरा सवाल वही है कि जिस विषय पे था कि आज जो संविधान के प्रति प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है, जो लोग कहां तक हम पहुंचे हैं, संवैधानिक कहां हक लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे, जो चर्चाएं होनी चाहिए थी, क्या उससे अलग हट के क्या ये सियासी बहस बन गया? सोनिया जी ने जो भाषण दिए कि सरकार कौन सा, तो क्या संविधान के प्रति जो प्रतिबद्धता की बात थी, वो क्या प्रतिबद्धता अपने अपने पार्टी और विचारधारा के प्रति हो गया? ये नहीं, ऐसा है कि एक बात तो मानना ही पड़ेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी उसका एक इतिहास है ना, वो 1885 साल से है जी। 1935 में जो कानून बना उसका भी रिफ्लेक्शन उसमें है, और ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। मैं तो आज की बात कर रहा हूँ, मैं तो आज आपको कहना चाहता हूँ कि आपने जिसकी एक अच्छी पहल थी, एक अच्छी शुरुआत होनी चाहिए थी, देश को भी कुछ सुनने को मिलता अच्छा, ऐसा
कि देखिए संविधान जब 26 नवंबर 1949 के बाद से लेके अब तक भारत किस तरफ आगे बढ़ा है, भारत कितना कटिबद्ध है, कितना प्रतिबद्ध है, कहाँ कहाँ खामी है, कहाँ कहाँ समस्याएं हैं, कहाँ और कुछ करने की जरूरत है, क्या वो चीजें जो आज चर्चा में आनी चाहिए वो आई या नहीं। मैं सिर्फ इतना तक आपसे वो नहीं आई ऐसा मुझे नहीं लगता, वो आई ना, जैसे कि दलितों का आज की स्थिति भी मैं उसका जिक्र करूंगा कि आज भी हमारे महाराष्ट्र में नगर डिस्ट्रिक्ट में एक बच्चा दूसरे ऊपर के जाति नीचे अपना ऊपर के जाति के लड़की से उसका प्रेम संबंध आता है, उसके उसके लिए उसको स्कूल में जाके मारा जाता है, टीचर कहता है कि यहाँ नहीं मारना बाहर मारना, टीचर उसको बचाने की कोशिश नहीं की, टीचर ने की उसको बाहर लेके गए, उसका पाँव तोड़े, हाथ तोड़े, उसको ईंट भट्टी पे लेके गए। कह रहा हूँ तो क्या क्या जो संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है उस पर हम कहाँ तक, जो हमारे जिस संसद से देश की सबसे बड़ी पंचायत हमारे पास, और भी हम आपके पास लौट के आते हैं, पीडी गौतम साहब है, गौतम साहब जिस पे चर्चा की शुरुआत हुई इस चर्चा को आप कैसे देखते हैं और चर्चा में जो बातें आई उसको आप कैसे देखते हैं, पीडी गौतम साहब आपसे सवाल को रिपीट कर दिए सवाल, आवाज कम आ रही है जी, मैंने पूछा कि जो आज चर्चा हुई संविधान दिवस के रूप में लोकसभा में उस चर्चा को आप कैसे देखते हैं, संविधान के ऊपर जो आज चर्चा हुई है संसद में उस चर्चा में जो बात केंद्र में थी क्या उस तक कोई बात हुई या उसमें कोई बात आगे बढ़ी या सिर्फ राजनीतिक भाषणबाजी हुई है? संविधान के बारे में बातचीत हुई है कि आखिरकार ये संविधान क्यों कर बनाया गया है, इस देश में पहले भी विधान रहा, अगर वो विधान समानता पर आधारित रहता, मानव और समाज का मूल्य जो है समानता पर रहता है तो फिर हमें अच्छा से शासन चला लिया होता, फिर उस संविधान के जरिए हमारा देश गुलाम नहीं हुआ होता, तो हमें ये नया संविधान बनाने की क्या जरूरत पड़ती है जी। चलिए उपेंद्र जी, जो कुछ आपने आज देखा उसमें क्या क्या कुछ सब्सटेंस क्या था? अब देखिए, एक तो ये अच्छी बात है कि संविधान दिवस मनाना शुरू किया है भारत ने, और इसके लिए निश्चय ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार और खुद नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं। ये संविधान दिवस मनाया जाना चाहिए था, हमारी जो पीढ़ी है या आने वाली पीढ़ियां हैं उनको पता होना चाहिए कि किस पृष्ठभूमि में संविधान बना और कौन कौन लोगों ने संविधान बनाया और क्या हमारे मूल्य हैं जिसकी स्थापना संविधान के द्वारा करने की कोशिश की गई। तो यह है लगातार, हालांकि गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं लेकिन उसमें एक उत्सव का माहौल ज़्यादा होता है, उसमें सीखने सिखाने का कम होता है। ये संविधान दिवस को उत्सव के रूप में नहीं बल्कि एक सीखने सिखाने के दिन के रूप में मनाया जाए कि लोगों को बताया जाए कि भाई संविधान किन लोगों ने बनाया और कैसे बनाया गया, क्या उसमें कॉन्टेक्स्ट था, पूरा का पूरा जो गांधीवादी मूल्य व्यवस्था थी उस समय उस गांधीवादी मूल्य व्यवस्था का समावेश किया गया संविधान में। तो अब उसकी जो आज चर्चा हुई है, लेकिन वो चर्चा अब ठीक है, कुछ न कुछ तो लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ है, कुछ जानकारियां हुई है, लेकिन इसमें राजनीति भी की गई है। लेकिन जब संसद में कोई बात ही चल रही हो और राजनीतिक पार्टियां आपस में बहस कर रही हो तो उसमें राजनीति तो नहीं होगी, ये भी मानना ठीक नहीं है। राजनीतिक तो राजनीति करेंगे ही, संसद में जो कुछ भी बात होगी वो पॉलिटिकल बात ही होगी, सरकार द्वारा क्या लिया गया कोई भी कदम उठाया कोई कदम राजनीतिक होता है, विपक्षी पार्टियों द्वारा भी जो भी कही गई बातें होती है वो राजनीति होती है, इसमें राजनीति की गई इससे हमें नहीं डरना चाहिए। बाकी जिनको जानना है जिनको समझना है, बहुत सारी बातें हमारी जो युवा पीढ़ी है नई पीढ़ी है या पुरानी पीढ़ी भी कही है, उनको ये पता नहीं है कि संविधान कैसे बना, बोलेगा एक आदमी आया संविधान लिख दिया। अब स्पष्ट हो गया कि संविधान बनाने में संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के वो थे चेयरमैन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे सभापति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा भाई हमने उनको नियुक्त किया हमने उनको बनाया डॉक्टर अंबेडकर को, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारे बहुत बढ़िया निर्णय था, ये तो साफ हो गया कि उन्होंने खुद आकर के कूद करके नहीं बनाया, उनको किसी ने बनाने के लिए कहा था। तो उस समय जो संबंध रहे लोगों के हमारे संविधान निर्माताओं के जो आपसी संबंध रहे उसके बारे में भी लोगों को जानने की जरूरत है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे यहाँ इस क्या साक्षरता बहुत कम है। मेरा वही फोकस है, मैं पहले हमारे पास एक ब्रेक का समय आ रहा है लेकिन उससे पहले सिर्फ पुष्पेंद्र जी बहुत छोटा सा ये कि क्या वाकई जो जो सरकार की तरफ से पहल
कि एक संविधान दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, संविधान के प्रति प्रतिबद्धता हमारी कितनी है उस पर हम चर्चा करेंगे, वो कहीं ना कहीं एक वी लॉस्ट द वे, कहीं ना कहीं जाके हम खो के उसको सियासी जो है फायदे नुकसान के चश्मे लगा करके उस पर हमने चर्चा शुरू कर दी। देखिए मुझे लगता है कि जितनी बहसें हमारे देश में होती हैं, अभी हाल में चाहे इंटॉलरेंस को लेकर के डिबेट हो रही हो, वो भी जो है वो पार्टियों में बट गई है। रियल में है या नहीं है, संविधान के अंदर क्या हुआ कैसे हुआ, तमाम सारी बातें जो हुई वो इस तरीके में बट गई है कि उन्होंने कहा कि साहब अंबेडकर जी के साथ सब कुछ इतना होने के बावजूद भी उन्होंने देश छोड़ने की बात नहीं सोची, तो तपाक से दूसरी पार्टी ने उसको आमिर खान के एपिसोड से जोड़ दिया। उन्होंने कहा साहब 1977 में देश में कौन सी धर्मनिरपेक्षता खतरे में थी, तो ये वर्ड उसको जोड़ा गया। तो मुझे लगता है कि हमारे नेताओं को किसी भी सीरियस मुद्दे को किस तरीके से उसको सतही डिबेट में तब्दील कर दिया जाए, इसमें संसद में ज्यादातर लोग एक्सपर्ट हैं। इस मुद्दे पे जो बात उपेंद्र जी कह रहे हैं या और दूसरे लोग कह रहे हैं कि जो लोगों को एजुकेट करना था, ऐसा लग रहा है कि संविधान के सिलसिले में बहस को रख करके अंबेडकर की विरासत पे हर आदमी कब्जा करना चाहता है। हमने बनाया था, हमने ही परखा था उनको, हमने ही उनको काम दिया था, हमने ही यही किया था, लेकिन कांग्रेस की अध्यक्षता यह नहीं बताती कि हमने ही उनको 40 साल के बाद तक अंबेडकर को अवार्ड नहीं दिया था और इंदिरा गांधी ने और नेहरू जी ने अपने आप ही भारत रत्न ले लिया था, यह भी नहीं बताते हैं। तो मुझे लगता है जो बहस का जो जिसको कह सकते हैं कि एकेडमिक बहस हो सकती थी, एक तार्किक बहस हो सकती थी, वो छोटी राजनीति और तुच्छ राजनीति में फंस गई। जी सहमत है जो मैं पूछ रहा था? नहीं नहीं ऐसा ये राजनीतिक आकलन जो होता है फायदे नुकसान में आप फंस गए। संसद में बैठने वाले लोग जो है जी वो पूरा प्रबोधन करने के लिए नहीं बैठे, वो राजनीति करने के लिए ही बैठे हैं। और राजनीति कौन सी राजनीति कि मेरी मैं जो मेरी आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी से ये देश ठीक ढंग से चलेगा। उसमें राजनाथ जी ने पहले ये किया कि उन्होंने ये इस तरह से बताया, मैं आपको बोलता था आप सरकार पे कह रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इसकी, इस सवाल ही नहीं। ऐसा ये जो हमारी स्पीकर जिस ढंग से बोली वैसा ही अगर चर्चा होती तो मेरे ख्याल से ये बात नहीं आती। उन्होंने प्रियम्बल लेके लोकशाही कहाँ से आई, सेक्युलरिज्म कैसा आया, सेक्युलरिज्म आने से या समाजवाद शब्द डालने से ये चेंज नहीं हुआ, आत्मा चेंज नहीं होता है, वो एक भर डाला गया और अच्छी बात आगे ले गए। और ये सरकार अगर चाहती है अच्छी बात लाने के लिए तो ला सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक लाइन बस कहूंगा कि अगर आपको ये लगता है कि राजनाथ सिंह ने जो है वो आरएसएस की तरह भाषण दिया तो आरएसएस तो फिर भी क्या कहते हैं राजनाथ सिंह एक्सटेम्पोर बोल रहे थे, लेकिन जो सोनिया गांधी वर्ड बाई वर्ड पढ़ रही थी तो वो तो वही बोलती जो राजनाथ तब भी बोलते और नहीं भी बोलते, वो तो लिख के ही लाइन थी। तो जो सोनिया गांधी ने बोला और जो बताया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के थे, कांग्रेस पार्टी ने उनको परखा, कांग्रेस पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी, ऐसा लग रहा था कि तमाम कुछ जो है अंबेडकर की पर्सनालिटी जो कि कांग्रेस में बाद में आए, उससे पहले दूसरी पार्टी चुनाव लड़े, सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को यह पता था। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर राजनाथ कुछ और भी देते बयान तो अभी सोनिया गांधी को वही पढ़ना था जिसमें पूरी तरह से राजनीति शामिल थी। सवाल ये है ना, वो तो लिख के लाई थी ना, वो तो एक्सटेम्पोर नहीं बोलती कि राजनाथ का भाषण में अगर ये बात ना होती तब भी वो यही बोलती। ठीक ऐसा है, आपको ये मानना ही पड़ेगा कि तब राज किसका था, कांग्रेस का राज था। राज कांग्रेस का होने के बावजूद भी इन्होंने सुझाव दिया गांधी जी को, जगजोहन राम जी ने, कि आप इनको बुलाइए अम्बेडकर साहब को, और गांधी जी नेहरू जी को बोले। नेहरू जी ने हमारे इधर खेर तब चीफ मिनिस्टर थे, खेर को बताया किसको इस्तीफा देने बोलिए, क्योंकि तब अम्बेडकर साहब बांग्लादेश से चुन के आए, उस तक बांग्लादेश बंगाल से वो हिस्सा गया था पाकिस्तान में, तो उनका मेंबरशिप गई थी। तो एक आदमी को इस्तीफा दे के वहां लाया गया, और लेकिन जो हमेशा पार्टी ने ना बोले, हमेशा गांधी जी के खिलाफ जो बोले, देखिए तो भी उनकी एक इज्जत और उनकी उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, उनकी कमिटमेंट, ये ध्यान में रखिए। दो बातें जो आई वो अम्बेडकर की वजह से आई, एक दलित और आदिवासियों को जो आरक्षण मिला और उनके बारे में जो आज हो गया वो दूसरी बात जो आई वो महिलाओं को
सक्षम कर क्योंकि वो चाहते थे। आम्बेडकर साहब क्या बोलते हैं ध्यान में रखिए, आम्बेडकर साहब का कहना ऐसा है कि जातिवाद जाति व्यवस्था जब तक टूटी नहीं तब तक ये देश आगे जाएगा नहीं। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, उनके उनके दिमाग में ये बात थी कि महिलाओं को पूरे अधिकार देंगे। लेकिन पहला विषय ये है, ये क्यों गलतफहमी है कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस पार्टी थी देश की आजादी से पहले, वो पार्टी नहीं थे, वो आंदोलन था और उसमें सभी लोग थे। क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस पार्टी की देन है? कांग्रेस पार्टी यदि देश देखा जाए तो देश की आजादी से पहले तो सभी कांग्रेस आंदोलन से जुड़े थे, कौन सी पार्टी थी? और यदि यदि आजाद विरोध कर रही थी ना, पहली बात तो ये, दूसरी बात ये, दूसरी बात ये कि आज संविधान पर चर्चा होनी थी। आरएसएस से आपका लगाव दलवी साहब ऐसा है कि बगैर आरएसएस के बात उसकी पूरी नहीं होती। पुष्पेंद्र जी ने जिस बात को कहा मैं 100% सहमत हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ जब संविधान पर चर्चा है, हमारी प्रतिबद्धताएं क्या रही हैं इस पर अकलुषित चर्चा होने के बजाय, जो अब उन्होंने कहा कि सोनिया जी ने, वैसे तो संसद में पढ़ा नहीं जाता किसी चीज को, लेकिन लेकिन अक्षरशः पढ़ने का जो भाषण था उसमें सिर्फ और सिर्फ ये था कि हमने बनाया और हमने बनाया और हमने किया, और इसलिए जो है अम्बेडकर ये कमोवेश इस चर्चा को सोनिया जी ही दूसरी तरफ ले गई राजनीतिक। जहां तक राजनाथ सिंह जी का विषय था, उन्होंने 42वें संशोधन में यह कहा कि जो चीज संशोधन में वह ऑलरेडी हमारे पास है, क्या जरूरत थी? ये उन्होंने ये कहा कि ये देश अयम निजाह परोवृत्ति गणना लघु चेतसाम उदारी चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा को कुटुंब मानने वाला ये देश हमारे रगों में बसा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करते हैं हम लोग, तो इसलिए जिस बात को जबरदस्ती डालने की कोशिश हो रही है वो ऑलरेडी हम हैं, क्या बुरा कहा राजनाथ सिंह जी ने? विरोध नहीं किया ये काम, आप जिस बात को कह रहे हो वो तो हमारे रगों में है, हमारा स्वभाव है, हमारा संस्कार है, पूरी दुनिया मानती है इस बात को। 1977 से पहले सेकुलरिज्म नहीं था। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में। हम चर्चा कर रहे हैं संविधान दिवस बनाम सियासत, संसद में जो चर्चा हुई उसको क्या सियासी अखाड़े में तब्दील कर दिया गया, क्या राजनेताओं ने, सांसदों ने, राजनीतिक दल के नेताओं ने संविधान दिवस के पे जो उन्हें देश को बताना चाहिए था, जो जहां खामियां हैं, जहां चुनौतियां हैं, क्या उस पर फोकस हुआ, या इसके बहाने भी सिर्फ सियासी जो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने का मौका था। खड़गे साहब ने क्या कहा वो आपको हम दिखाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर सोशलिस्ट वर्ड सेक्युलर वर्ड डालना चाहते थे, लेकिन उस वक्त के वातावरण में उनको वो किया नहीं गया। जैसा तो सुने, अरे सुनो, अरे बहुत से लोग आपके भी, जैसा कि हिंदू कोड बिल डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर लाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त किसी ने अपोज किया, क्या उसका नाम बताऊं मैं पूरे? तो इसीलिए आप वो टीका टिप्पणी करके छोड़ दीजिए। बाबा साहब अंबेडकर का 125वां जयंती हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो अच्छे बात बोलिए ताकि ऐसे कंट्रोवर्शियल मत हो। डॉक्टर बाबा साहब इस देश से भागना चाहते थे, वो तो मूल भारतीय थे, आप बाहर से आए हैं, ये आर्यन जितने भी है वो बाहर से आए, हम तो मूल भारतीय इस देश में रहने वाले लोग हैं, हम भागने वाले नहीं हैं, इस देश को बचाने वाले लोग, इस देश को रक्षण करने वाले लोग, हम 5000 साल मार खा के यहाँ बैठे हुए। आपने अभी ये भाषण का अंत सुना, क्या इसको माना जाए, कैसे देखा जाए, क्या ये संविधान दिवस पर संविधान के प्रति प्रतिबद्धता का कोई रिफ्लेक्शन है क्या? दलवी साहब,
एक्टिव ऐसा है कि एक तो हाँ कांग्रेस पार्टी संविधान दिवस पहले से ही मनाती है, चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर भी और लेकिन आज ये दो दिन इसके ऊपर जो बहस रखी गई, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, उनको मैं बधाई दूंगा, और उसके बारे में खल होगा, एक बहस होगी, तो उसमें गैर बात है, सियासत से लड़ने की क्या बात है? नहीं, ये सियासत ऐसा है, ये जो भाषण था इसको कैसे ऐसा है, ऐसा है, हाउ डू यू रिलेट इसको कैसे आप ये देखिए सोनिया जी क्या बोली, मैं सोनिया जी का भाषण तो आपको सुना देता हूँ पहले, कांग्रेस मैं अभी खड़गे साहब ने जिस बात को कहा कि अम्बेडकर ये चाहते थे लेकिन उस माहौल में वो कर नहीं पाए, किसने रोका? आरएसएस ने, किसने रोका? ये कहना कि उस समय तो ये चाहते थे लेकिन नहीं हो पाई, कितनी खराब बात है। दूसरी बात, आर्यन बाहर से आए, मैं खड़गे साहब से अनुरोध करूंगा, वैसे सदन में भी अनुरोध करेंगे और किया भी आज, कि कम से कम पढ़ तो लीजिए, आर्य कहां से है, ये आर्य व्रत देश है, ये इस देश का नाम ही आर्य व्रत देश है, आप कह रहे आर्यन बाहर से आए और सोनिया गांधी जी यही की है और बाकी सब बाहर से आए, ये और खराब बात है। तीसरी बात, उन्होंने जिस रक्तपात की बात कह दी वो तो और खतरनाक बात हुई है। इसलिए प्रधानमंत्री जी के एक बहुत अच्छी पहल पर जानबूझ करके इस ढंग का माहौल बनाने की कोशिश हुई, वैसा लग रहा था जैसे बजट भाषण हो रहा हो, बजट भाषण, इसमें ये कटौती कर दी, उसमें वो कटौती, संविधान की प्रतिबद्धता क्या है, इस पर चर्चा करें तो समझ में आता है। इसीलिए इसीलिए हमने चर्चा उन्होंने मैंने सुना नहीं, हाँ उन्होंने कहा कि संविधान को बदलोगे तो इस देश के अंदर रक्तपात हो जाएगा। चलिए चलिए वो तो हटा दिया गया है, उसको स्पीकर द्वारा हटा दिया गया है, लेकिन सोनिया गांधी के भाषण का कुछ अंश आपको हम दिखाते हैं। आज एक खुशी का दिन लेकिन दुख का भी है, दुख इसीलिए है कि संविधान के जिन आदर्शों और सिद्धांतों ने हमें दशकों से प्रेरित किया है आज उन पर खतरा मंडरा रहा, उन पर जानबूझकर हमला हो रहा है। हमने पिछले कुछ महीनों से जो कुछ भी देखा है वो पूरी तरह से उन मूल्यों के खिलाफ है जिसको संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है। जिन लोगों की संविधान में किसी तरह की आस्था नहीं रही है, ना इसके निर्माण में जिनकी कोई भूमिका रही है, वो आज इसका नाम जप रहे हैं, वो आज इसके अगुआ बनना चाहते हैं, वो आज संविधान के प्रति वचनबद्धता पर बहस कर रहे हैं। और इसे भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व अध्यक्ष मंत्री वेंकैया नायडू ने क्या कहा, पहले वो कुछ अंश आपको हम दिखा देते हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट वाज स्पीकिंग, यू हैव व्हाट ऑल ऑफ पीपल हैव सीन व्हाट इज हैपनिंग। I only appeal to all the members, please understand the entire country is watching us. We are not kids, we are matured people. We have 68 years experience is there and people expect a more matured discussion and matured behavior on the part of everybody. संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, कह रहे हैं मोर मैच्योर्ड मोर डिस्कस्ड मोर इन्फॉर्म्ड कुड हैव बीन, जो नहीं हुआ। नरसिंह साहब, अभी आपने देखा है आदरणीय सोनिया जी का भाषण और उन्होंने जो पढ़ा है जिस चीज को, वो क्या कहना चाहती हैं कि इस देश पर केवल संविधान पर आस्था उनकी है। वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने इमरजेंसी में लोकतंत्र की हत्या कर दी, वो लोग बोले कि संविधान में, और दूसरों पर प्रहार करें कि संविधान में हमारी आस्था नहीं है, न संविधान बनाने में हमारी भूमिका थी। किसकी भूमिका थी? जो लोग आज नरेंद्र मोदी जी ने संविधान पर चर्चा करने की पहल की, तो सोनिया जी कह रहे हैं वो लोग चर्चा कराना चाहते हैं जो संविधान को मानते नहीं और आस्था नहीं। खराब बात है, और इसलिए मैं सोचता हूं, मैं फिर उसी बात पर आ रहा हूं, इसकी अकलुषिता से चर्चा होनी चाहिए थी। ये शुरुआत सोनिया जी के भाषण ने खराब की है। मैं आशा कर रहा हूं अभी भी कि कल के दिन का जो उपयोग होना चाहिए, कल और चर्चा होगी इस पे,
वो उपयोग केवल संविधान के उन अनुच्छेदों पर, और हम हमारी यात्रा कहाँ तक है, कहाँ हम कमजोर रहे, आगे और सशक्त तरीके से। प्रधानमंत्री जी ने उस यात्रा को और ताकत के साथ किया, जिसको चाहे वो जनधन योजना के रूप में होगा, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, तमाम ऐसे अभियान लिए हैं जो इस संविधान की आत्मा को और सशक्त करते हैं। और अंतिम जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो सपना था, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था, कि अंतिम छोर तक के व्यक्ति के चेहरे पे जब तक हंसी नहीं आती तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, ये असली इसका स्वरूप। कुड हैव मोर मैच्योर्ड डिस्कशन, ये कह रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री, कह रहे हैं देश देख रहा है। ठीक, आपको लगता है कि ये होना चाहिए? मैं क्या बोलता हूँ कि सोनिया जी क्या गलत बोली मुझे मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। एक आपको आपके मालूम के लिए बताता हूँ, आप इतिहास मत बताओ ऐसा बोलते हो। गोवर्कर गुरुजी ने संविधान के बारे में क्या कहा है आपको मालूम है क्या? दीनदयाल उपाध्याय ने क्या कहा है? दत्तोपंत ठेंगड़ी ने क्या कहा है? सुदर्शन जी ने क्या कहा है? और वाजपेयी के जमाने में उसका पुनरावलोकन करने के लिए कमिटी भी नियुक्त की गई। लोगों को ये डर है, और अगर प्रधानमंत्री कल बताएंगे कि बिल्कुल ये इसमें इस तरह से तब्दीली होने का सवाल है। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, जितने नाम आपने लिए उन्होंने संविधान के खिलाफ नहीं बोला है। सुदर्शन साहब तो ये उन्होंने ये कहा कि पुनरावलोकन वगैरह का जरूरत नहीं है, पूरी बदलना चाहिए। आप उनके इसलिए लोगों का डर है ना, एक। और दूसरा ऐसा है कि संविधान ऐसा ही बना, संविधान खाली स्टडी करके अध्ययन करके नहीं बना संविधान। ये महात्मा जी ने जिस ढंग से इस देश का आंदोलन चलाया ब्रिटिशों के खिलाफ, उसमें ये मूल्य हम स्वीकारते गए और ये संविधान बना, जिसमें वो कागज़ पे लिखने का काम बाबा साहब नेहरू इन लोगों ने किया। और नेहरू जी ने ये कहा है कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो क्या होता, कि हिंदू कोड बिल के वक्त जिसका जिक्र वो साहब कर रहे हैं, वो बार बार हिंदू कोड बिल के ऊपर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। हमारे साथ और भी मेहमान है, समय कम है। उपेंद्र जी, जो कुछ हुआ, जितना कुछ हुआ, उसमें कितना ज्यादा कमिटमेंट, प्रतिबद्धता आपको दिखते है कि जो जिस पे, क्योंकि चर्चा संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को लेकर शुरुआत हुई। देखिए, संविधान पर चर्चा चाहे जो भी हो वो अच्छी चर्चा है, और उसका स्वागत करना चाहिए। बाकी जो लोग बोल रहे हैं, लेकिन समझने वाले भी अब इतने, ये संविधान पे चर्चा था या सियासी चर्चा था, वे सवाल वही है कि इसको संविधान पे चर्चा होनी चाहिए। उसमें जो चुनो जो 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 खामियां हैं, जो चुनौतियां हैं, जहां तक पहुंचना है, वो अलग इशू है। सही बात है कि जो संविधान के बारे में लिटरेसी बहुत कम है, संविधान की साक्षरता बहुत कम है, लोगों की संविधान के बारे में जानकारी बढ़ रही है, इसलिए जो कुछ भी आज हुआ उसका मैं तो स्वागत करता हूँ। बाकी अगर राजनीति की जा रही है तो राजनीति करें, उससे भी कोई डर नहीं है। यहाँ जो लोग हैं, धीरे धीरे लोगों में मैच्योरिटी बढ़ रही है, लोगों को जानकारी की कमी है। तो अगर जानकारी कहीं से भी आती है कि संविधान कैसे बना, क्योंकि संविधान को लेकर बहुत, संविधान को ही लेकर नहीं, बहुत सारे कानूनों को लेकर के, बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम लोग एक रहस्य बनाए हुए रखते हैं, तो रहस्य से पर्दा हटना चाहिए। बाकी है कि 60-65% लोग लिटरेट हैं, 25-30% लोग हैं जो कि अंग्रेजी भी नहीं जी उतना नहीं, 10-15% तो अंग्रेजी भी पढ़ लेते हैं, बाकी अपने अपनी मातृभाषा में करीब 25-30% लोग पढ़ करके संविधान को समझ सकते हैं। तो संविधान क्या है, क्या उसका कॉन्टेक्स्ट है, क्या उसका संदर्भ है, वो जानना जरूरी है, और उसकी अगर चर्चा होती है। बाकी सोनिया गांधी ने क्या कहा, राजनाथ सिंह ने कहा, खड़गे साहब ने क्या कहा, अपने जो वेंकैया नायडू हैं उन्होंने क्या कहा, ये सब अपनी अपनी जगह पर सही है। मैं सभी की बातों का समर्थन करता हूं जितने लोगों ने कहा, बल्कि इस पर और चर्चा हो, क्योंकि जब तक अगर आप पूरी तरह से इसको पाठ्य पुस्तकीय चर्चा बना देंगे तो लोगों की इसमें सुनने में दिलचस्पी नहीं रहेगी। तो उसके साथ साथ अगर कोई गर्मी आती है तो गर्मी आने दीजिए, उसे हम क्यों डरें। अगर सोनिया गांधी बतला रही है कुछ इसका कॉन्टेक्स्ट, खड़गे साहब कुछ बोल रहे हैं, हो सकता है अतिवादी बात उन्होंने कही है कि भाई रक्तपात हो जाएगा, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो दलित असंतोष है, खासकर दलितों को मैंने बहुतों को देखा है कि इस तरह की बात आपसी बातचीत में भी कर दिया करते हैं, लेकिन उन्होंने भी कर दिया, स्पीकर ने उसको एक्सपंज कर दिया, चलिए वो कोई बात नहीं। इसलिए जो भी हो रहा है, मैं तो मानता हूं कि जो भी आज चर्चा हुई है, किसी भी चर्चा को हम ऐसा नहीं कह सकते कि गैर वाजिब चर्चा है। अगर किसी ने अतिशय बोल दिया तो बोलने दीजिए, क्योंकि संविधान के बारे में जानकारी बहुत कम उपलब्ध है। जब जानकारी जो कम उपलब्ध है, आप उसमें इन्फॉर्म्ड
क्या उसके काम हो रहा है? संविधान के बनाओ को कोई भावनाओं को कोई आज तक समझा ही नहीं है। यहाँ पर देश में दो विधान चल रहा है, जहां पर जिस रोड पर यातायात के दो नियम लागू होता है, एक लेफ्ट मूव और एक राइट, तो वहां पर एक्सीडेंट हो रहा ही होना है। जहां पर पहले का जो असमान विधान चल रहा है उसके जो समारोह चल रहे हैं, कोई आयोजन चल रहे हैं, कोई बात उसमें कुछ कह दे तो उसके लिए जाने ना समझे, उसके ऊपर दुनिया भर की आतंक मचा रहा जा रहा है। क्या बात, यह देश में कोई सहिष्णुता है क्या? क्या इस देश में सहनशीलता है क्या? न जाने न सुने तुरंत जो है किसी के मुंह पर कारिंग पोत दो, किसी के ऊपर तलवार मार दो, किसी के घर में घुस कर जान मार दो, क्या समझता बना रखा गया है? ये संविधान का मामला कोई समझता है? सारे के सारे संविधान के उल्लंघन करके काम हो रहा है। संविधान के अनुसार कोई क्या बोला? आज जो है किसी भी नेता के जो पुतला जलाओ पुलिस दौड़ाती है, यहाँ पर हमेशा जो है हिंसात्मक समारोह हो रहा है, जो हमारे पुराने संस्कृतियों में हुआ मारा है काटा है, धन लूटा है, सजा लूटा है, उनमें राजा महाराणी को मारा है, उसी का एक तिथि बना दिया गया धार्मिक और सांस्कृतिक, ये आयोजन हो रहा है, ये संविधान का उल्लंघन नहीं तो और क्या है? चलिए गौतम साहब, पुष्पा पुराने ठीक है, अलोकतांत्रिक है, अलोकतांत्रिक है, अप्रामाणिक है, ठीक है, मुश्किल हो गई। चलिए जो पैदा होता है उसका कोई कीमत नहीं है, नागरिकता तक नहीं मिलती है, पत्थर और बांस में और घास फूस में पैदा होने वाले के दबड़ा बात है, क्या लोकतंत्र ये देश में, क्या संविधान को माना जाता है? चलिए ठीक है पुष्पेंद, जो गुस्सा है, जो बातें कही है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक बातें हैं जो उन्होंने कही, हो सकता है जो बातें बहुत सारी उन्होंने बात आपने साफ सुन रहे थे, क्या इन चीजों पे इन बातों को लेके कितनी गंभीर चर्चा अभी एक दिन और कल भी होना है, कल प्रधानमंत्री भी बोलेंगे इस पे, राज्यसभा की सोमवार तक होने वाली है जी। लोग जो है दिलीप, एक और बड़ी समस्या ये है कि देखिए जो उपेंद्र भाई कह रहे हैं कि पहली बार सरकार ने मनाया है और उस पर एक बहस होनी चाहिए, सार्थक बहस होनी चाहिए। अब देखिए 1948 और 1950 में क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया, ये तमाम नेता जो हैं अपनी तरफ से कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, सब संविधान की धाराओं को पढ़ के अपना अपना इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। लेकिन मैं 3-4 मुद्दों की बात कर रहा हूं कि जो लोग वो सोनिया गांधी कह रही थी कि आज देश पे जो है खतरा है और संविधान पे खतरा है, सोनिया गांधी ने नहीं बताया कि इस जो संविधान बना था इसकी मूल भावना में कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं और अपने अपने एजेंडे के तहत हो चुके हैं, अपने अपने वोट बैंक के तहत हो चुके हैं। क्या इस संविधान के अंदर धारा 370 को टेम्परेरी नहीं लागू किया गया था? क्यों वो टेम्परेरी धारा जो है 70 साल से चल रही है? क्या इस देश में संविधान के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं कहा गया था? क्यों एक वर्ग के दबाव में उसकी बहस को आप हवा में उड़ा देते हैं? क्या इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल लागू करने के लिए बार बार सरकारों पर दबाव नहीं डाला है? क्यों उसको आप सांप्रदायिक बना देते हैं? कौन से 42वें संशोधन के तहत आपको 1977 के अंदर कौन सी देश में ऐसी सांप्रदायिकता की समस्या थी तो आपको धर्मनिरपेक्ष शब्द लाना पड़ा और सेकुलरिज्म की गलत इंटरप्रिटेशन की गई? तो मैं ये कह रहा हूं कि इस देश के अंदर संविधान में 68 साल में कांग्रेस सबसे ज्यादा सत्ता में रही है, उससे ये पूछें कि कितना दुरुपयोग आपने किया। आज की जनरेशन को जो किताब में लिखा है वो इंटरनेट पे मौजूद है। इंटरप्रिटेशन सोनिया गांधी की नहीं चाहिए। सोनिया गांधी ने जिस तरीके की भाषा बोली कि यहां जो लोग आज जप रहे हैं, जो अगुआ बन रहे हैं, उसमें से कोई शामिल नहीं था, सोनिया गांधी कहां थी? उनकी पार्टी में राहुल गांधी थे क्या संविधान सभा में? सवाल यह है कि एक जनरेशन जाती है दूसरी आती है, यह बात अलग है कि सोनिया गांधी का निजी परिवार जो है वो संविधान सभा से लेकर के आज है और सत्ता के शीर्ष पे है, तो वो तो कह सकती है कि शामिल है, लेकिन बाकी लोगों को खारिज कर देना कि सब वो लोग थे ही नहीं आज जप रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो इस पूरी चीज का क्रेडिट लेती है उसको ये भी बताना चाहिए कि हमने इतने सारे हजारों इसमें अमेंडमेंट और संशोधन क्यों किए थे, किन कारणों से किए थे, और जिनको समस्याओं को निपटाना चाहिए था उन्हें वोट बैंक की राजनीति के चलते कश्मीर के अंदर अगर आज भी ये कोई कह दे कि धारा 370 हटनी चाहिए तो उमर अब्दुल्ला से लेकर गुलाम नबी आजाद से लेकर हुर्रियत एक प्लेटफॉर्म
यूनिफॉर्म पे खड़े नजर आते हैं, कहते हैं अगर ये लागू होगा तो कश्मीर हट जाएगा। सवाल यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। तो ये जो संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है वोट बैंक का, ये ज्यादा जरूरी है लोगों को बताना। संविधान में क्या लिखा है, किसने बनाया, कौन सदा का अध्यक्ष है, ये सबको पता है, सब लोग देख लेंगे। तो जो बहस जहां जानी चाहिए थी वहां नहीं जा रही है, तो अगर कांग्रेस पार्टी ने उसको राजनीतिक तरीके का रंग दिया है तो जवाब में गहलोत ने जो कुछ कहा है फिर सही कहा है, फिर इस पर एकेडमिक बहस नहीं होगी। अगर आप इस बात को तैयार हैं कि आप चुनाव हार गए हैं और जो लड़ाई आपको सड़क पर लड़नी चाहिए थी वो आप संसद में लड़ेंगे, तो फिर किसी भी पॉइंट का, किसी भी सब्जेक्ट का यही हजर होगा। बड़ी मुश्किल बात है भाई। ऐसा है, उन्होंने बहुत सी गलत बातें कही। यूनिफॉर्म सिविल कोड खाली मुसलमानों का सवाल नहीं है, जिनका पारसी का बड़े उससे उल्लेख किया गया, पारसियों का भी सवाल है, क्रिश्चियनों का भी सवाल है, जूलों का भी सवाल है, बुद्धिस्टों का भी सवाल है, ऐसा है, और हिंदुओं का भी सवाल है। आदिवासी विभाग में नॉर्थ ईस्ट के लोग बिल्कुल एक यूनिफॉर्म सिविल कोड मानने के लिए तैयार नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आपको करना है तो उसकी एक बहस करिए, किस ढंग से होगा, क्या होगा, क्या होगा, बताइए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात लेने के और हमेशा हंटर मारने का, ये बिल्कुल गलत बात है। करिए ना, आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड करना है। आपके प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन को 1985 में आपके प्रधानमंत्री ने सुप्रीम के एक ऑर्डर को सिर्फ इसलिए मोड़ दिया कि उससे एक धर्म नाजार हो रहा था। शाबानों के केस की बात कर रहा हूं। आपको चेंज करना चाहिए था ना, आप संविधान के सबसे बड़े रक्षक थे, आपके पास ज्यादा सरकार रही थी, आपने नहीं किया ये काम। देश के संविधान में, देश के संविधान में, मैं जिस बात पर एक पॉइंट में, देश के संविधान में कहा है कि एक ही देश के अंदर दो विधान और दो निशान हो जाए, दो निशान, दो विधान, दो प्रधान हो जाए, कैसे संभव हो सकता है? इसलिए जो ये संविधान क्या कलुषित चर्चा का विषय उठा है, पुष्पेंद्र जी ने जिस बात को उठाया है उस बात में दम है कि हम जब भारत के संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, उसकी प्रतिबद्धताओं पर चर्चा कर रहे हैं, तब यदि कश्मीर का मुद्दा आता है कि एक ही देश के अंदर दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं होने चाहिए। दो प्रधान शुरू में किस ढंग से कश्मीर अपने इधर आया उसका हिस्ट्री भी देखनी चाहिए। पाकिस्तान ने हल्ला किया, नेहरू जी ने तुरंत यहाँ से मिलिट्री भेजी, और कैसी मिलिट्री में क्या हुआ, मिलिट्री जाना बहुत मुश्किल था, वो टैंक इसमें विमान से वो उधर टैंक गए। चुप रहता हूँ, आप बोलिए, आप बोलिए, लेट हिम कंप्लीट जी। वहां टैंक भेजे और कश्मीर बचाने का काम किया, कुछ हिस्सा कश्मीर का आज भी उधर गया है। अभी ऐसा है कि तब प्रधानमंत्री के ही था, तो प्रधानमंत्री कुछ दिन चला, इंदिरा जी ने वो बदल दिया, अभी प्रधानमंत्री रह रहा है। और 370 का ऐसा है, उस वक्त उनको आश्वासन किया गया था, जो आश्वासन हम देते हैं वो तोड़ना चाहिए क्या? नॉर्थ ईस्ट में भी जो पुष्पन जी जो कह रहे हैं कि कमिटमेंट आज कॉमन सिविल कोड या ऐसे जो मुद्दे हैं जो संवैधानिक रूप से, जो संविधान की आत्मा है, जो संविधान के लिए जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो वो चर्चा जो डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि उस पर चर्चा नहीं हुई, हमने कहीं पूरे चीजों को मोड़ दिया है। उन्होंने क्यों नहीं की, राजनाथ जी ने ये बात क्यों नहीं कही? बहस होगी, मैं उसके खिलाफ नहीं, बहस के खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं, बहस होनी चाहिए, करिए। ये क्या मुद्दा कोई समाज की तरफ से, ये इस तरह से सेक्युलरिज्म इस देश में आया, वो क्या मुसलमानों के लिए आया? मैं आपको बोलता हूँ, बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस देश में मुसलमान नहीं होते तो भी ये देश सेक्युलर होता, क्योंकि सेक्युलर होगा वो, सेक्युलरिज्म के जरिए कुछ ना कुछ हम प्रगति कर पाए, नहीं तो हमारी स्थिति ये पाकिस्तान या अरब देशों में जो स्थिति है वो स्थिति रहती, ये ध्यान में रखिए। आज यहाँ संविधान की वजह से यहाँ लोकतंत्र है, यदि समरसता नहीं होती तो पूरी दुनिया के लोग, आज भी सारी दुनिया के लोग, संविधान में सेक्युलरिज्म की वजह से ये देश नहीं बचा हुआ, ये गलतफहमी है।
और अरब में सेकुलरिज्म साबित हो जाएगा और लागू हो जाएगा तो अरब बच जाएगा, यह भी गलत फहमी है। सेकुलरिज्म इस देश में इसलिए है कि इस देश की धरती में है। कुछ धर्मों को लगता है कि सेकुलरिज्म की बात करना जो है उनके धर्म के खिलाफ है, लिहाजा वो सेकुलरिज्म को एक राजनीतिक एजेंडे के तहत इस्तेमाल करते हैं। उनको लगता है कि दिल्ली में तो सेकुलरिज्म होना चाहिए लेकिन जम्मू कश्मीर में सेकुलरिज्म की बात करने पर आप आतंकवादी हो जाते हैं, आप देशद्रोही हो जाते हैं, ये भी एजेंडा है। किसने कश्मीर के बारे में बोला? कश्मीर में 3 लाख सेक्युलरिज्म पंडितों को मुसलमान आतंकवादियों ने, मुसलमान पड़ोसियों ने पंडितों के मार के निकाला। इस देश में कितने लोगों की आवाज बुलंद हुई? आप क्या बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं क्या कहते हैं सेकुलरिज्म की बात? आपको दिल्ली में सेकुलरिज्म चाहिए, आपको कहीं और सेकुलरिज्म चाहिए, लेकिन आप ही एक्सेप्ट नहीं करते सेकुलरिज्म, क्योंकि सेकुलरिज्म में आप दूसरे धर्म पर सवाल करते हैं, अपने धर्म पर सवाल उठाने में आप नाराज हो जाते हैं, आप खतरे में हो जाते हैं। पुष्पेन जी, आपके मालूम बताता हूँ, पंडितों का सवाल आजादी के बाद भी आज कश्मीर गुलामों की तरह ठीक नहीं है। अपनी धरती पर लोग दर्जे के नागरिक होकर के धरती को छोड़े, ये कहाँ का शासन होता है? ये कहां की समरसता है? नहीं, इस पे कोई अमेरिका के प्रेसिडेंट को चिट्ठी नहीं लिखता, वैसे अमेरिका के व्हाइट हाउस तक चिट्ठी जाती है। लेकिन मैं तो कहता संविधान की बात कर रहा हूं। नहीं, दलवी साहब ने उस चिट्ठी पे साइन किए थे। पुष्पेन जी, पुष्पेन जी, गौतम साहब, उपेंद्र जी, हमारे पास समय बहुत कम रह गया है, बहुत कम रह गया है, और सिर्फ हम ये सिर्फ जो हमारा जो विषय है, गौतम साहब आराम, बिल्कुल थोड़ा समय बहुत कम रह गया, सिर्फ इतना कि आपको लगता है कल प्रधानमंत्री भी बोलेंगे, कल और भी नेता बोलेंगे कि, और राज्यसभा में भी होना है, मुझे लगता है कि क्या इस डिबेट को एक नेक्स्ट लेवल पे जहां पे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, जहां चीजें हैं, चुनौतियां हैं उस पे, या सिर्फ इसको सियासी हथकंडे के तौर पे, हथियार के तौर पे, या भाषणबाजी तक ही इसको ऐसा रखा जाएगा जिससे सियासी हो जाएगा? ऐसा है कि इस देश के समाजवाद उसमें आया, क्यों समाजवाद आया? यहाँ इतने बड़े पैमाने पर लोग गरीबी है, उसके ऊपर बहस होगी, क्यों समाजवाद, सेक्युलरिज्म क्यों आया, उसके ऊपर भी बहस होगी, डेमोक्रेसी यहाँ कैसी रही, क्या रही, या इक्वालिटी की बात बोले, ये इक्वालिटी की जो बात है उस पर भी चर्चा, इक्वालिटी की बात भी चर्चा होगी। ये जो बोले, ये मैं मानता हूँ कि कॉमन सिविल कोर्ट के ऊपर जिसको करनी है वो करेंगे, उसमें कुछ गैर बात है ऐसा मैं समझता नहीं, उससे कुछ यहाँ बहुत कुछ बड़ा बड़ा क्या कॉमन सिविल, कोई बताता है कि कॉमन सिविल कोर्ट कैसा होगा? किसने बताया अभी तक? किसने भी बताया नहीं। जहां तक ऐसा है महिलाओं के अधिकार की बात है, बाबा साहब महिलाओं के अधिकार के बारे में इतना क्यों बोले? चलिए, यहाँ अभी भी दलितों के ऊपर अत्याचार होता है। हमारा समय खत्म हो गया है और बहुत कम समय में सिर्फ इतना बता दें कि इस पर चर्चा हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ दिखा देते हैं भारत पाकिस्तान के बीच में जो क्रिकेट की शुरुआत को लेकर जो आवाज उठी है, सवाल उठे हैं, सबसे पहले आपको हम दिखा देते हैं कि क्या कह रहे हैं जो हमारे खासकर कृति आजाद साहब ने और साक्षी महाराज ने क्या कहा है, उस एक सिर्फ उस बयान को आपको हम दिखा पाएंगे क्योंकि हमारा समय खत्म हो गया है, और छोटी सी टिप्पणी लेंगे जो साक्षी महाराज और कृति आजाद के तरफ से बयान आए। जो उन्होंने कहा है कि बहुत छोटी सी, पहले बयान को बाद में बहुत छोटी प्रतिक्रिया, क्या लगता है कि टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, एक बात होती रही है, बातचीत बंद है लेकिन क्रिकेट की शुरुआत हो रही है, कैसे देखा जाए इसको? बहुत छोटी सी टिप्पणी। मैं सोचता हूं कि उस दिशा में सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन जब भी भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट हो या किसी भी देश का हो तो कहीं ना कहीं भारत की अपनी भावनाएं हैं और उन भावनाओं के अनुरूप पूरा देश एकजुट होता है, उसमें ना कोई जाति है ना धर्म है, वो भारत है। मेरे ख्याल से क्रिकेट या खेल या सांस्कृतिक कार्यक्रम जो रहते हैं उसमें लोग इकट्ठा आते हैं, अगर तो आने दो, कुछ उसमें गए रहे ऐसे मुझे लगता नहीं। मैं जब पाकिस्तान में गया, दो बार गया, मुझे ज़रा आश्चर्य लगा, मुझे शूज वहाँ के पठानी शूज़ लेने थे, मैं एक दुकान में गया, मुझे दो जोड़ी लेनी थी, मेरे एक दोस्त के इसके फादर के लिए भी लेनी थी, वो वहाँ से पाकिस्तान से यहाँ शरणार्थी करके आए, वो बोले मेरे लिए वो शूज़ लाइए,
मैं उनका ये देखने के गया तो शूज लेने के गया तो वो दुकानदार मेरे से पैसे नहीं ले रहा था। बोले क्यों, पैसे तो लेने पड़ेंगे, नहीं भारत से आए हमारे मेहमान हैं, हम आपको ये फ्री देते हैं। मैंने कहा मैं लेके जाऊंगा नहीं, तो आपको पैसे लेने चाहिए नहीं तो मैं जाता हूँ। चलिए पुष्पा जी, बहुत ही बिल्कुल छोटे से ये दो लोग इकट्ठा होते ये अच्छी बात है ना, वो आने दो। लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि वो दहशतवाद जो आज कश्मीर में हो रहा है उसको पाकिस्तान जिम्मेदार है, उसके लिए कड़क धोरण करिए, ऐसा इस तरह से मजबूती से काम कीजिए ना, ठीक है। वो तो नहीं होता, वो एक अलग चीज है, लेकिन अपनी मजबूती से काम करना पड़ेगा अपने आपको। बहुत कम शब्द में पुष्पा, एक तो मेरे लिए दुखद बात यह है कि आज 26/11 की 7वीं बरसी है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आईएसआई और सेना के लोगों ने मिलकर मुंबई पे जो हमला किया था उसमें 167 लोग मारे गए थे, और आज ही ये बात का फैसला लिया जा रहा है। अरुण जेटली और अनुराग ठाकुर बीसीसीआई से संबंधित हैं, लेकिन दोनों देश नहीं है। अगर बीसीसीआई को यह फैसला लेना है तो बीसीसीआई भारत से अलग नहीं है। और दूसरी बात जो मेरे भाई कह रहे हैं, ये पठानी सूट और पेशावरी चप्पल और चांदनी चौक की चाट से देशों की डिप्लोमेसी नहीं चलती है, और निजी तौर पे किसने किससे पैसे लिए, लेकिन पाकिस्तान जब यहां लोग भेजता है तो बता के नहीं भेजता है। और आज भी, आज तक अभी अब से 1 घंटे पहले तक सरहद के ऊपर कभी मेजर मर रहा है, कभी कर्नल मर रहा है। तो आप एक तरफ ये भी करेंगे, दूसरी तरफ चाहते हैं कि पेशावरी चप्पल के और चप जूतों के और चांदनी चाक की चौट के पैसे नहीं लिए, तो दोस्ती होती रहनी चाहिए। ये दोनों चीजें एक तरफा नहीं चलेंगी। ये सरकार अगर इसको फैसला लेती है तो मैं समझता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण फैसला होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निशंक साहब, हुसैन साहब, पुष्पन जी, उपेन जी और गौतम साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पन जी आप